हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन साई स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो बाय लुई फिशर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें जो मेनली जो हमें बताई गई है चीज़ें, वो चंपारण के बारे में है कि चंपारण में कैसे जो बैकवर्डनेस है, जो एक पिछड़ा वर्ग है, जो जैसे ब्रिटिश कम्युनिटी है, वो कैसे लोगों पे अत्याचार करती है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और लोग उस टाइम में भी कैसे कितने पिछड़े हुए थे, कितने ज़्यादा, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में लुई फिशर हमें बताते हैं कि वो दिसंबर 1916 में कांग्रेस के एनुअल कन्वेंशन के लिए लखनऊ गए हुए थे। वहीं पर वो एक जो फार्मर होते हैं राजकुमार शुक्ला, उनसे मिलते हैं, जो गांधी जी से आके बोलते हैं कि वो उन्हें अपने साथ चंपारण लेकर जाना चाहते हैं। गांधी जी ने तो पहली बार चंपारण का नाम सुना था, तो उस टाइम वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो जो राजकुमार शुक्ला है, वो काफ़ी टाइम उनके आगे पीछे रहते हैं ताकि वो किसी तरीके से मान जाए उनके साथ चंपारण जाने के लिए, क्योंकि वहाँ चंपारण में एक लैंडलॉर्ड सिस्टम था जिसकी रिपोर्ट राजकुमार शुक्ला को करवानी थी, जिस वजह से वो लखनऊ आए थे। तो लखनऊ में उन्हें किसी ने बताया था कि उनको गांधी जी से मिलना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन का जो हल है, जो सॉल्यूशन है, वो सिर्फ गांधी जी ही निकाल सकते हैं। तो राजकुमार शुक्ला जो है, वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे गांधी जी के पास आ गए ताकि वो किसी तरीके से उनको कन्विंस कर पाए अपने साथ चंपारण जाने के लिए। तो जो गांधी जी है, वो जब राजकुमार शुक्ला को देखते हैं, उनके डिटरमाइनेशन को देखते हैं कि वो काफ़ी दृढ़ निश्चयी है, बहुत बार वो उनके आगे पीछे आ चुके हैं, उनको बोल चुके हैं अपने साथ जाने के लिए, तो गांधी जी भी एक टाइम पे मान जाते हैं। बट वो उन्हें बोलते हैं कि मुझे किसी काम से कलकत्ता जाना है, तो तुम वहाँ पर आना, फिर हम वहीं से तुम्हारे साथ चंपारण चलेंगे। तो राजकुमार जो शुक्ला है, वो मान जाते हैं। फिर वो कलकत्ता जाते हैं, तो वहाँ पे वो गांधी जी से मिलते हैं और उनके साथ फिर चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। वो सबसे पहले पटना जाते हैं। पटना में वो राजेंद्र प्रसाद हैं, जो एक लॉयर होते हैं, उनके पास जाते हैं, क्योंकि उनकी जितनी भी शिकायत होती है गांव में, जितनी भी शिकायत होती है, वो वहीं पे जाती है। लेकिन जो लॉयर के सर्वेंट होते हैं, जो बाहर ही वहाँ पे खड़े होते हैं, वो देखते हैं कि जो राजकुमार शुक्ला है, वो काफ़ी टाइम वहाँ पर आ चुके होते हैं, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो वो देखते हैं कि जो एक फार्मर है अपने साथ एक और पुअर इंसान को लेकर आया है, जो काफ़ी गरीब है, तो वो उनकी कोई केयर नहीं करते। उनको गांधी जी के बारे में उतना पता नहीं होता, जहाँ तक कि वो उनको पानी तक नहीं पीने देते हैं। तो गांधी जी ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो वो देखते हैं गांधी जी को ये सारी चीज़ें देख के बहुत बुरा लगता है, कि उनको पता चलता है कि आज के टाइम पर भी, उस समय में, कि आजकल भी इतना भेदभाव होता है। तो वो ये सब चीज़ें देखते हैं, जिसके बारे में वो सोचते हैं कि मैंने इन सब चीज़ों पर तो कभी गौर ही नहीं किया, अब मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा, बहुत सारी जो प्रूफ होंगे उनको देखना होगा, बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी, जिसके बाद मैं इन सब चीज़ों को सॉल्व कर पाऊँगा। तो वहीं पर रुकते हैं मुजफ्फरपुर में अपने एक फ्रेंड के यहाँ। फिर वो जब लोगों को पता चलता है कि गांधी जी वहाँ रुके हुए हैं, तो बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर उनके पास आते हैं, उनको वेलकम करने के लिए उनके पास आते हैं, उन्हें बताते हैं उनकी ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जो गांधी जी और लॉयर्स से मिलते हैं, लॉयर्स जो होते हैं वहाँ के, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन वो लोग गांधी जी पता लगाते हैं कि ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही होती है। तो जो मेनली इसका कारण होता है इंडिगो, जो इंडिगो की खेती होती है, जिसके लिए जो इंग्लिश मैन है, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है फार्मर से, कि वो उनके उनके खेतों पे इंडिगो को उगाएंगे और उसके बाद वो सारी जो फसल होगी वो इंग्लिश मैन को बेच देंगे। लेकिन जब जर्मनी में आर्टिफिशियल इंडिगो उगाया जाने लगा, तो उन्होंने एकदम से इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, जबकि इंडिया में जो खेत थी, लैंड्स, वो और किसी फसल के लिए भी यूज़ कर सकते थे, वो सारी फसलों के लिए यूज़फुल थी, बट उन्होंने इंडिगो की खेती की, जिस वजह से जो उनकी जो उपजाऊ क्षमता होती है वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने एकदम से मना कर दिया कि उनको अब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है, ऊपर से उन्होंने आर्टिफिशियल जो इंडिगो थी वो उगाना स्टार्ट कर दी थी, लोगों को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बारे में बोला और उनको ये कहा कि उनको इसके बदले का जुर्माना देना पड़ेगा, वो भी ब्रिटिश सरकार को। तो जो ये सारी प्रॉब्लम थी वो इस वजह से थी। तो गांधी जी बहुत सारी जगह से जाके हेल्प लेते हैं, वो ब्रिटिश ऑफिशियल कमीशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको अपनी प्रॉब्लम बता सके और वो कुछ सोल्यूशन दे सके। बट जो
कमिश्नर होता है वो गांधी जी का मजाक उड़ाता है, उनको बोलता है कि तुम यहाँ से सीधे चले जाओ, तुम्हारी यहाँ पर कोई हेल्प नहीं करेगा, उनको काफी बुरा भला बोलता है। लेकिन गांधी जी यहाँ हार नहीं मानते, वहीं पे मोतिहारी एक जगह होती है वहां जाते हैं। तो उनको पता चलता है कि मोतिहारी के आसपास का एक गांव है जहां पर जो ब्रिटिश है उन्होंने लोगों एक इंसान एक किसान के साथ बहुत बुरा बिहेव किया है। ये सुनकर गांधी जी को बहुत बुरा लगता है और वो उस किसान को देखने के लिए जाती हैं। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार के लोग होते हैं वो उनको मना करते हैं कि नहीं तुम इसको नहीं छू सकते, लेकिन गांधी जी एक स्लिप पे लिख के देते हैं कि मैं तुम्हारी कोई कानून को नहीं मानूंगा और मैं इसे छूंगा और इसकी हेल्प भी करूंगा। तो फिर जब वो उसकी हेल्प कर देते तो नेक्स्ट डे उनके पास कोर्ट का समन आता है। समन इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने एक कानून को ब्रेक किया होता है। तो उसके बाद जो गांधी जी होते हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी कार्रवाई होती है, लेकिन जो गांव के जितने भी लोग होते हैं सारे आ जाते हैं कि गांधी जी को कुछ नहीं होना चाहिए। इतनी सारी भीड़ को देखकर जो कोर्ट होता है वो भी कोई फैसला नहीं ले पाता है। तो गांधी जी उनको बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता, आपको अगर मुझे कोई पनिशमेंट देनी है, कोई कुछ पनिश करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं एक कानून को तोड़ने वाला इंसान नहीं बन सकता। लेकिन उस टाइम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, उनको थोड़ी सी ढिलाई दी, उन्होंने बहुत सारे वकीलों को कॉल किया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया, फिर उन्होंने वकीलों से बात की कि क्या अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरे बाद तुम इन लोगों की हेल्प करोगे। तो वकीलों के मन में भी ये ख्याल आया कि गांधी जी कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ पर आए उन्होंने हमारी हेल्प करने की कोशिश की, तो हम अपने ही राज्य के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो सारे वकील जो होते हैं वो मान जाते हैं। तो गांधी जी को इस चीज़ से बहुत खुशी होती है। फिर गांधी जी का जो ये केस होता है वो ख़त्म होता है। तो गांधी जी ब्रिटिश जो कम्युनिटी के सरकार होती है उनसे मिलते हैं, तो उनसे बात करते हैं कि आपने एकदम से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया जिस वजह से ऐसा हुआ, तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो जो इंग्लिश मैन होते हैं वो मान जाते हैं, तो वो एक डील करते हैं, तो वो पूछते हैं कि छूट दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग में गांधी जी फार्मर्स को देखते हुए बोलते हैं कि हमें 50% वापस चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की होती है इंडिगो की खेती के लिए, उन्होंने अपने खेतों को ख़राब किया होता है। लेकिन जो ब्रिटिश मैंस होते हैं वो नहीं मानते हैं और इन द एंड वो 25% पे मान जाते हैं। तो गांधी जी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती, वो सिर्फ पैसों के लिए वहाँ नहीं गए थे, वो इस चीज़ के लिए गए थे कि ब्रिटिश सरकार उनको समझ सके। और उनके बाद फिर गांधी जी इस चीज़ के लिए बहुत खुश होते हैं कि अब हमें पता चल चुका है कि ये ब्रिटिश सरकार किस तरीके से मान सकती है, किस तरीके से नहीं। तो गांधी जी इस चीज़ के लिए मान जाते हैं। फिर गांधी जी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ की हालत बहुत ख़राब होती है, वहाँ की जो बैकवर्डनेस होती है इतनी ज़्यादा पिछड़ी हुई होती है, वहाँ पे ना स्कूल होता है, ना क्लीनिनेस होती है, कुछ भी नहीं होता। तो जिसके बाद गांधी जी वहाँ काफ़ी टाइम तक रुक के, गांधी जी उनकी वाइफ काफ़ी टाइम रुक के वहाँ पर सारी चीज़ों को ठीक करते हैं, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल बनवाते हैं और जो क्लीननेस की चीज़ें होती है वो उनको बताते हैं किस तरीके से हम इन चीज़ों को साफ रखें, सफाई की वैल्यू होती है वो सारी चीज़ें उनको बताते हैं, और जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट होता है उसको एकदम न्यू करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इतना पिछड़ा हुआ ना रहे। फिर लुई फिशर हमें बताते हैं कि वहीं पे एक उनके जो अनुयायी होते हैं जो चार्ल फिशर एंड्रयूज, जो कि गांधी जी को फॉलो करते थे और उनको काफ़ी पसंद करते थे, वो उनके इंस्पिरेशन थे। लेकिन वो जो गांव के लोग होते हैं वो चाहते थे कि जो एंड्रयूज है वो उनके साथ मिल जाए ताकि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनके साथ आवाज़ उठा सके और उनकी जो एक कमज़ोरी है वो हमारे साथ रहे। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हम लोग अपनी आज़ादी खुद से लें। अगर जो चार्ल्स फ्रीदर एंड्रयूज है वो हमारे साथ आ जाते तो जो सारे लोग हैं वो उन्हीं पर डिपेंड हो जाते, वो सिर्फ वो या कोई भी और ब्रिटिश सरकार के जो लोग होते वो हमारे साथ आ जाते तो जो हमारे कंट्री के लोग हैं वो सिर्फ उन पर डिपेंड रहते कि ये ब्रिटिश सरकार के लोग हैं, इनको उनके बारे में पता है तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए करेंगे, जिस वजह से गांधी जी ने उनको अपने साथ शामिल करने से मना कर दिया। फिर जो लुई फिशर होते हैं वो गांधी जी के बारे में बताते हैं कि गांधी जी कहीं भी जाते हैं तो वो इन सब चीज़ों को इतनी अच्छी से गहराई से देखते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उनका जो तरीका होता है वो इतना मतलब हिंसक तरीका नहीं होता, वो बहुत
बातों के मामले से उन सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपकी पूरी स्टोरी में यही थी। आई होप आपको ये सब मेरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, और अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो आप फिर भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड येस, ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।